नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विद आरिन। तो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र की एक ऑथेंटिक डिश जिसका नाम है अंब्याची डाल, यानी कि चना दाल और कच्चे कैरी से बनी हुई एक चटपटी रेसिपी। दोस्तों ये रेसिपी यूजुअली समर वेकेशन में बनाते हैं क्योंकि आम इजीली अवेलेबल होता है और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने रॉ मैंगो लिया है जिससे हम पील करके कद्दूकस कर लेंगे। इसके बाद मैंने 250 ग्राम्स ऑफ चना दाल ली है जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था और सुबह उठते ही एक्सेस पानी निकाल लिया था। इसके अलावा मैंने 1.5 टेबलस्पून शक्कर ली है, आधा टेबलस्पून नमक लिया हुआ है, फिर मैंने कुछ धनिया पत्ता चॉप करके रखा हुआ था वो लिया है, हमें 8 से 9 करी लीव्स लगेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून हिंग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा लगेगा। इसके अलावा हमें 3 हरी मिर्च, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल लगेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अच्छे से धोकर पील करेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। हम हरी मिर्च को भी चॉप करके अलग से रख देंगे। फिर हम ग्राइंडर में नारियल करेंगे, फिर उसमें हरी मिर्च, शक्कर, नमक और जीरा ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दोस्तों आप मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको इस मिक्सर को मीडियम थिकनेस तक ब्लेंड करना है, इसे हमें पतली पेस्ट नहीं बनाना। हमारा मिक्सर अब हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और हमने जो आम को कद्दूकस करके रखा था उस आम को इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब हम तड़के के लिए तड़का पैन गैस पर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल गर्म होता है हम उसमें राई ऐड करेंगे। हिंग ऐड करेंगे, करी लीव्स और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और बारीक टुकड़ों में काटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। लो हमारा तड़का अब रेडी है। हम चम्मच से अच्छे से चला लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद करेंगे और हम बाउल में तड़के को ऐड करेंगे। फिर हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल और धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अच्छे मिक्स करने के बाद लो बन गई आपकी अंब्याची दाल। दोस्तों है ना ये रेसिपी बनाना काफ़ी आसान। तो दोस्तों ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों अब आपकी अंब्याची दाल रेसिपी रेडी है, तो एंजॉय कीजिए एंड कीप वॉचिंग यमी क्रेविंग्स विथ आरएनडी।